नमस्कार साथियों, मैं विष्णुकांत उपाध्याय आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएचयू वाले द स्टोरी का पर। साथियों, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने कार्य को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि एनटीए के द्वारा सीवीटी पीजी 2024 का एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है वह शुरू करा दिया गया है और एग्ज़ाम देने के बाद बहुत सारे बच्चे खुश नज़र आ रहे हैं। जिनका पेपर अच्छा जा रहा है वो लोग काफ़ी खुश हैं और जिनका पेपर थोड़ा सा ख़राब हो रहा है वो बच्चे काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। तो साथियों, आज की जो वीडियो है ना, इसमें हम आप सभी लोगों को बताने वाले हैं कि एनटीए का मार्किंग स्कीम जो है वह 2024 के लिए क्या होने वाला है, किस आधार पे आपको मार्क्स प्रदान किए जाएंगे। तो अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो साथियों, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि सीवीटी पीजी से संबंधित सारी छोटी बड़ी जानकारी जो है हमारे द्वारा आपको ऐसे ही हमेशा उपलब्ध कराई जाती है। तो चलिए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। साथियों, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हर सवाल 4 अंकों का होगा। आप सभी लोगों को पता है कि इस बार टोटल 75 क्वेश्चन के आपके एग्ज़ाम हो रहे हैं और टोटल 300 मार्क्स के, यानी कि एक प्रश्न जो है 4 अंकों का हो रहा है और आपके हर एक सही जवाब के लिए आपको 4 अंक मिलेंगे। अगर आपने किसी प्रश्न का सही जवाब दिया है तो उसके लिए आपको 4 मार्क्स जो हैं मिलने वाले हैं और हर एक गलत जवाब के लिए आपको टोटल स्कोर में से एक अंक जो है काटा जाएगा। जैसे कि आपने एक प्रश्न का सही उत्तर और एक प्रश्न का गलत उत्तर दिया है तो आपके साथ क्या होगा कि 4 नंबर तो मिलेगा ही, लेकिन यहाँ पर एक माइनस भी होगा, यानी कि 3 नंबर फिर बचेगा आपके पास। तो इस तरह से जो है इस बार का मार्किंग स्कीम होने वाला है। पिछली बार भी ऐसा ही था और इससे पहले भी ऐसा ही था, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। आगे है कि जिन सवालों के उत्तर आप नहीं देंगे या जिन्हें अटेम्प्ट नहीं करेंगे उनके लिए कोई अंक नहीं मिलेगा और न ही कोई अंक कटेगा। यानी कि अगर आप किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देते हैं या उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करते हैं, उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो उसके लिए आपको कोई अंक नहीं मिलने वाला है और ना ही उसके लिए आपके कोई मार्क्स को काटा जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब आगे देखते हैं कि क्या है। किसी सवाल के जवाब में आपको एक सही उत्तर चुनना होगा, यानी कि 4 ऑप्शन जो हैं आपके सामने आ रहे हैं। जिनका एग्ज़ाम हो चुका है वो लोग भी इस वीडियो को पूरी तरह से देखें और जिनका एग्ज़ाम होने वाला है वो लोग भी इस वीडियो को पूरी तरह से देखें। यानी कि आपको जो है एक सही उत्तर चुनना होगा 4 ऑप्शंस में से। 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से कोई एक ही सही उत्तर होगा और उसमें से आपको सही उत्तर का चयन करना है। इसके बाद हालांकि अगर आंसर की चैलेंज प्रोसेस के दौरान अगर किसी सवाल के एक से ज़्यादा सही उत्तर होते हैं तो सिर्फ उन्हीं अभ्यर्थियों को नंबर मिलेगा जिन्होंने उनमें से कोई एक सही उत्तर चुना होगा। जैसे कोई प्रश्न ऐसा है जिसमें कि 2-2 सही ऑप्शन आपको लग रहा है, ठीक है ना, तो अगर उसमें से किसी एक सही ऑप्शन को आपने चूज किया है और बाद में जब एनटीए का आंसर की आएगा, आप वहां पे क्लेम करेंगे, चैलेंज करेंगे, तो इसके बाद जो है ना आपको उसके भी मार्क्स मिल जाएंगे। जैसे कि कल के एग्ज़ाम में एक प्रश्न आया था कि गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी कहाँ थी, ऑप्शन में उज्जैन और कन्नौज था। बहुत सारे बच्चों ने उज्जैन किया है, बहुत सारे बच्चों ने कन्नौज किया है। तो जिन्होंने इन प्रश्नों को किया है अगर वो लोग बाद में क्लेम करते हैं, जैसे कि आंसर किया आएगा और एनटीए इसका सही आंसर जो है उज्जैन मानेगा और आपने कन्नौज किया है तो कन्नौज भी सही है, अगर आप उसको क्लेम करते हैं तो आपके इसके 4 नंबर जो हैं प्राप्त हो जाएंगे। इसके बाद अगला है कि अगर किसी गड़बड़ी के कारण कोई सवाल ड्रॉप होता है तो सभी कैंडिडेट को उसके लिए फुल मार्क्स मिलेंगे, फिर चाहे वो सवाल अटेम्प्ट करे या न करें। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि अगर आप किसी ऐसे प्रश्न को करते हैं जिसका सारा ऑप्शन गलत है, यानी कि एनटीए ने उस प्रश्न को ही गलत पूछा है आपसे, गलत तरीके से पूछा है, उसका कोई सही उत्तर नहीं है, और अगर आप उस प्रश्न को करते हैं तो भी आपको 4 नंबर मिलेगा और नहीं करते हैं तो भी आपको 4 नंबर मिलेगा। जब आपका आंसर की आएगा तो आंसर की में ही ड्रॉप्ड लिख के आ जाएगा। जो जो प्रश्न का या प्रश्न आईडी जो है, क्वेश्चन आईडी जो है वो ड्रॉप्ड होगा तो वहाँ पर लिख कर आ जाएगा कि ये ड्रॉप्ड है, और ड्रॉप्ड पे जो है आपको 4 नंबर मिलेंगे, सभी बच्चों को मिलेंगे, ठीक है ना, 4 नंबर। तो इस तरह से इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं कि जिसके 2-2 ऑप्शन हैं अगर हम किसी को नहीं किए हैं तो हमें नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो अगर आपने उस प्रश्न को नहीं किया है तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, और हाँ, ड्रॉप सवाल के जो नंबर हैं वो सभी लोगों को फ्री में मिलेंगे, ठीक है ना। यानी कि एनटीए अपनी गलती को छुपाने के लिए यह काम करता है। तो साथियों, इसी तरह से आपका जो इस बार का मार्किंग स्कीम है वह होने वाला है, यानी कि एक्स्ट्रा मार्क्स वगैरह जो है यही 6 और 7 नंबर वाला जो पॉइंट है आपको दिला सकता है। जैसे कभी कभी क्या होता है ना, किसी किसी क्वेश्चन पेपर में 10 से 12 प्रश्न जो है वह ड्रॉप्ड हो जाते हैं, तो अब जब 12 प्रश्न ड्रॉप्ड हो रहे हैं आपके एक क्वेश्चन पेपर से, तो अब समझिए कि इसके कितने नंबर हो गए,
40 नंबर, 44 नंबर तो आपको ऐसे फ्री का ही मिलेगा। और अगर ऐसा सबके साथ होता है, सभी पेपर में होता है, तो फिर कट ऑफ हाई चला जाता है। यही कारण है कि कट ऑफ हाई चला जाता है। तो साथियों, अगर यह जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।